अगर ये शादी हो गई तो 30 दिन के अंदर अंदर होने वाले दूल्हे की मृत्यु निश्चित है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं समझ सकती हूँ भाऊजी, लेकिन शुक्र है कि वक्त रहते ही हमें सब कुछ पता लग गया। इसलिए तो मैं कहती थी कि कुंडली मिलवा लो। पंडित जी, इसका कोई तोड़ कोई उपाय तो होगा ना। देखिए, अब जो भी है मुझे बता दीजिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस आप बता दीजिए। देखिए, मृत्यु को टालना मेरे वश में नहीं है। जी, बस अब एक ही रास्ता है। हाँ? ये शादी तोड़ दो। तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है डिलन शेखावत, उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। You're finished. आंटी मुझे देखिए, आंटी प्लीज। आप तो जानती हैं ना कि मैं शादी से कितना डरता था, कितना घबराता था मैं। कई साल लगे मुझे अपना ये फैसला चेंज करने में। आप एकदम ब्रेव ना होती। अब मैंने फैसला ले लिया है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी देवजानी के साथ बिताना चाहता हूं। और जब आंटी मैंने फैसला ले लिया है ना, तो बस ले लिया। फिर चाहे वो जिंदगी 1 महीने की क्यों ना। नहीं बेटा, एक माँ हूं मैं, दूसरी माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। आंटी कुंडली से ज्यादा मुझे अपने रिश्ते पे भरोसा है, अपने प्यार पर भरोसा है। जल्दी करो, जाओ। ओहो जी, बड़ा सोना अरेंजमेंट कितना दूसरी था। बहुत बिजी बिजी लग रहे हो आप। अच्छा, वो तुम आ गए, तुम मेरी प्लीज थोड़ी सी हेल्प कर दोगे? मैं बहुत थक गई हूँ और फिर शाम के लिए मुझे रेडी भी तो होना है ना। ये कोई कहने की बात है, बंदा हाजिर है। आप थोड़ा आराम आराम कर लो। ओके, कूल। वैसे भी कहा जाता है कि लड़की वालों के घर में काम करने से आपको आपका प्यार जरूर मिलता है। जी, मुझे तो मेरा प्यार मिल गया, लेकिन फिर भी मैं काम तो कर ही दूंगा। और अगर मेरी नियत बदल गई तो? ओ, वैसे डाउट तो जायज है जी। हेलो, आप अंकल? अंकल, आज घर में संगीत का फंक्शन है, अगर आप इस फंक्शन में आएंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। आपके बगैर ये फंक्शन बहुत अधूरा लगेगा अंकल।